इरफान खान को लेकर के हम सबके बीच में आई थी कि आखिरकार इरफान खान का निधन हो गया। और आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, अभिनेता ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, अभिनेता ऋषि कपूर के निधन की खबर मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और उनके निधन की खबर मिल रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दरअसल ऋषि कपूर लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और आखिरकार जो अभी खबर मिल रही है मुंबई से, जहां पर वे भर्ती थे, 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। बेहतरीन अभिनय के लिए ऋषि कपूर हम हमेशा जाने जाते रहे हैं, अपने दौर के सबसे बेहतरीन हीरो रहे हैं रियल लाइफ के। और रियल लाइफ में ऋषि कपूर अपने जीवन की जंग हार गए हैं और इस वक्त जो खबर मिल रही है, ऋषि कपूर अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, ऋषि कपूर अस्पताल में भर्ती थे, और अभी जो खबर मिल रही है ऋषि कपूर का निधन होने की जानकारी मिल रही है। उनके परिवार में दो उनके बेटे हैं, यानी कि रणबीर कपूर और रिधिमा कपूर सानी। तो रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर का निधन होने की जानकारी मिल रही है। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के एनएच रिलायंस अस्पताल में ऋषि कपूर भर्ती थे। पहले विदेश में भी उनका इलाज चला और काफी लंबे वक्त से ऋषि कपूर बीमार चल रहे थे। आखिरकार जो खबर मिल रही है, ऋषि कपूर अब हमारे बीच में नहीं रहे। भारतीय फिल्मों का जाना माना चेहरा हम सबको छोड़कर के अलविदा कह गया इस दुनिया को, इस धरती को। तो भारतीय सिनेमा का एक मशहूर नाम ऋषि कपूर अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हिंदी सिनेमा में उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता है। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे जा चुके थे और